नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद यही करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहे, यही दुआ भी करती हूँ। तो देखिए, जो भाई बहन हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो उन सभी से प्रार्थना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मेरे 20,000 के सब्सक्राइबर कर दिए हैं। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत आभार आप सभी का दिल से। मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी हूँ यूट्यूब पे, आप सबकी वजह से हूँ, आप सभी की दुआओं से हूँ, आप सभी के आशीर्वाद की वजह से हूँ यहाँ पे मैं आज। और आप सभी के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरी 20,000 की फैमिली हो गई है, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अपनी खुशी आप सभी के साथ शेयर ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए, सुबह सुबह का समय है, सुबह के 6:30 कुछ ऐसा ही है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने उठते ही क्या काम किया, पहले इन जो सारे इधर फैले हुए हैं सामान ना, इन सबको इकट्ठे करने मैंने शुरू कर दिए। तो अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसलिए मैं सुबह उठी हूँ और जो सारी चीज़ें खुली है ना, मतलब सारी चीज़ें खुली ऐसे ही रखी ही रहती है रोज़, क्योंकि रोज़ धूप रहती है। तो फिर जैसे जो चीज़ें पड़ी थी वैसे ही पड़ी रह गई थी, लेकिन कल से हमारे यहाँ मौसम ठीक नहीं है, तो इसीलिए सुबह उठते ही मैंने सब कुछ ढकना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था बस अभी बारिश होने ही वाली है, तो इसीलिए सारे सामान मैं ढक रही हूँ और इन सबको मूंद करके रखना है, पूरे सामान को इकट्ठे करके रखना है। और इधर ये देखिए, मैंने डाल रखे थे बिस्तर, इनको मैंने कल धुले थे, तो अभी ये सूखे हैं नहीं ठीक से, मुझे लगा ये सूख गए हैं, तो इन सबको रख देती हूँ फोल्ड करके। लेकिन नहीं, मैंने जब देखा, फोल्ड करने को सोचा, देखा तो फिर ये नहीं हुए थे सूखे, तो इन सबको मैं ऐसे ही उस पन्नी के नीचे ढक दूंगी, जिस पन्नी से ना सारा सामान ढकने वाली हूँ, वहीं पे पन्नी के नीचे इनको ढक दूंगी। और जब मौसम ठीक रहेगा या फिर धूप निकलेगी ना, तो फिर डाल दूंगी इनको सूखने के लिए। ये देखिए, अभी मैंने ये बिस्तर एक धोया है, अभी और बहुत सारे बिछौने और मतलब सारे कपड़े, बहुत सारी चीज़ें ही हैं जिन्हें धोना है। और एक हमारी बिटिया रानी है, जिनका है बर्थडे 24 नवंबर को, उनका नाम है शगुन। तो बेटा जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो ये देखिए, ये पन्नियाँ हम निकाल के ना सारे सामानों को इकट्ठे कर दी हूँ, इसी लकड़ी के ऊपर, जो लकड़ियाँ दिख रही है ना इनके ऊपर रखा है। डायरेक्ट मैंने छत पे नहीं रखे हैं, क्योंकि डायरेक्ट छत पे रखूँगी ना बारिश होगी तो फिर भीग जाएगा। और इन लकड़ियों के ऊपर मैंने सारे सामान को लाद दिए हैं, फिर पन्नी से ढक दूँगी। और ये जो पन्नी दिख रही है ना, ये फटी नहीं है, इसके ऊपर वाइट सीमेंट पड़ गया है। ये पन्नी मैंने जब छत पे सारे सामान गए उसी दिन मंगवाई थी, क्योंकि उस समय भी बारिश हुई थी जब घर में काम शुरू हुआ था ना, उस समय भी बारिश हुई थी नवरात्रि में, तो मैंने इनसे मंगवाया था पन्नी। और इन्होंने एक साइड पकड़ रखा था, क्योंकि चारों तरफ देख रहे हैं ना आप सभी, लकड़ियाँ नकड़ियाँ निकली हैं, तो ये मतलब नुकीली नुकीली है, तो मुझे लगा कि पन्नियाँ फट जाएंगी, मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी, तो इन्होंने एक साइड पकड़ा। और एक साइड में मानसी भी यहीं पे है, उसे भी पकड़ना है, शौक के मारे कहीं इधर से पकड़ रही है, कहीं उधर से पकड़ रही है, यही कर रही है। तो अभी इन सबको मैं ढक करके चारों तरफ लगा दूँगी ईटा, जिससे कि हवा चले ना, तो फिर पन्नियाँ उड़े नहीं इसीलिए। तो अभी सब कुछ हमने कर दिया है, ठीक से रख दिया है, और अभी चूल्हे के पास बैठी हूँ। देखिए, कुकर में रखा है मैंने मटर और आलू उबलने के लिए, तो आलू मटर का छोला बनाऊंगी आज। और बच्चे हैं पीछे, देखिए क्या कर रहे हैं। देखिए बाबू नीचे है, और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, सुबह के भी 8 भी नहीं बजे हैं ठीक से, तो कल से ही मौसम ठीक नहीं था। और हम लोग कल रात को सो भी गए थे कि पता नहीं बारिश होगी, हमें लगा शायद ऐसे ही है, और सुबह उठा तो फिर देखा कि वैसे के वैसा मौसम ठीक नहीं है मौसम, तो अभी बारिश होगी। तो ये देखिए, सब कुछ हमने ठीक तरीके से ढक दिया है अच्छे से, बहुत सारे सामान है, मतलब घर के पूरे सामान ही यहाँ हैं। तो इन्होंने पन्नी पकड़ी, तो हम दोनों ने ठीक से इसको सेट किया। और अभी ये चावल और आटे का डब्बा निकला हुआ है, सारे बर्तन धोना है, लेकिन अभी नहीं धोऊंगी, तो आप लोग बर्तन डब्बे वगैरह देख के ऐसा नहीं बोलिएगा कि गंदे गंदे में रखी हूँ। और बस अभी जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा लूँ फिर आती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि अगर बारिश होने लगी तो फिर खाना भी नहीं बन पाएगा। तो ये देखिए, अभी मैं आ चुकी हूँ नहा करके, और सिलबट्टे पे मैं आ गई हूँ पीसने के लिए मसाला। मसाले में मैंने लिया है प्याज है, अदरक,
हरी मिर्च और लहसुन लिया है, और बनाऊंगी चने और नहीं माफ कीजिएगा, मटर और आलू का छोला। तो बस उसी के लिए मसाले तैयार कर रही हूँ, यही मसाले पीसूंगी, गरम मसाले मैं नहीं डालूंगी इसमें। तो अभी मसाले को मैंने पीस लिया है और आ गई हूँ चूल्हे पे। कुकर में ही मैंने दोनों चीज़ें साथ में रखी थी, आलू और चने, पहले भिगो दिया था मैंने रात में, फिर सुबह कुकर में रख करके मैंने इसको इस तरीके से कर लिया। और आलू बहुत ज़्यादा फट गए थे, नमक वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाले थे, तो मैंने डाल दिए हैं जीरा और प्याज, इसका तड़का लगाऊंगी सब्जी में। और आप सभी बोलते हैं ना कि अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है, तो बच्चों को छत पे रहना ठीक नहीं है, ठंड में आप भी मत रहा कीजिए, सारी चीज़ें नीचे ला लीजिए। तो लाने ही वाले हैं, बस अभी मुझे लगता है अभी 10 या 15 दिन हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा ऐसे ही। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी डाल दी है, और मिर्ची पाउडर नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने पीसा हुआ था ना मिर्च, देखा ना आप लोगों ने, हरी मिर्च मैंने पीसा सिलबट्टे पे। और ये है ऑरेस्ट मसाला, तो इसको भी डाल देती हूँ और अच्छे से भून लेती हूँ। वैसे कभी कभी ऑरेस्ट मसाला ऊपर से डाल देती हूँ, लेकिन अभी मेरा मन था कि मैं इनमें डाल के भून लूँ, तो बस इसीलिए मैंने डाल दिया। इसमें सारे मसालों को अच्छी तरीके से भून लिया है, और जो आलू था ना उसको मैंने काटा नहीं, काटने की जगह हाथों से फोड़ लिया है। इससे सब्जियां ना फिर गाढ़ी बनेंगी, जो चने मटर है ना वो अलग अलग नहीं दिखेगा, सब आपस में मिल जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दे रही हूँ नमक डाल के, जिससे ये कढ़ाई में चिपकने लगे, फिर मैं इसमें पानी डालती हूँ। तो ये देखिए इधर ये कढ़ाई मेरा पकड़ने लग गया है, अच्छी तरीके से मैंने इसको भून लिया है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी, और पानी डाल के अभी ये बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनी है, सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। और इस जो पानी देख रहे हैं ना आप सभी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बहुत थिक हो जाएगी आलू को, इसीलिए मैंने काटा नहीं, उसे अपने हाथों से फोड़ दिया, जिससे सब्जी ना। तो दोस्तों खाना अभी बन गया है, खाना मैं बना के फुर्सत हो गई हूँ, और अभी आ गई हूँ नीचे, तो करूँगी कंघी बाल में। तो कंघा कहाँ है ढूंढ लूँ, पहले कंघे का कोई अता पता नहीं है, ढूंढ लेती हूँ कंघा। दोनों चल के नहा लो बिटिया, नहा लो, ये देखिए पूरा दिन क्यों पहले बोलो ना बिटिया का, ना पहन नहीं ढील सोना है, नमस्ते कर रही है मानसी है, नहा के ढीला ढीला सा पैंट पहनी है, अभी जा रही फिर से बदलने के लिए, तो पहले कंघी कर लेती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, बाल में कंघी वगैरह मैंने कर ली है, बस अब हम लोग निकलने वाले हैं, बाबू अभी सो रहा है, तो बस उसी को जा रही हूँ तैयार करवाने के लिए, सो रहा है तो मैंने सोचा सो ले आराम से, मैं तैयार हो जाती हूँ फिर बाबू को उठाऊँ। तो ये देखिए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना था, और हम लोग आए हैं बैंक, यहाँ पे कुछ काम था मेरा काम था, तो जब तक मैं नहीं आती हो नहीं पाता, क्योंकि साइन वगैरह लगते हैं ना इसीलिए। तो अभी ये गए हैं अंदर फॉर्म लाने के लिए, और मैं बाबू को लेके यहीं पे बाहर खड़ी हूँ, क्योंकि ये चारों तरफ देख रहा है ना, देखिए कैसे चारों तरफ देख रहा है, और खुद सही से अच्छा लग रहा है, गाड़ी वगैरह सब देख रहा है चारों तरफ। तो वैसे भी अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मैं बच्चे को लेके अंदर नहीं गई, यहीं पे बाहर चेयर वगैरह रखी गई है बैठने के लिए, तो मैं बस वहीं पे जाकर के बैठ जाती हूँ। पहले बाबू को मैंने सोचा थोड़ा सा दिखा दूँ, इनको टहला दूँ, फिर यहाँ का काम हम लोग कर लेते हैं और फिर चलते हैं आगे, तो वहीं पर आप सभी को दिखाऊँगी। अभी यहाँ पर मैं कुछ नहीं दिखा पाऊँगी, तो देखिए यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं,
ये ना मार्केट मार्केट नहीं, अभी देखेंगे ना आप सभी, ये कॉस्मेटिक्स चीज़ें हैं यहाँ पे लगी हुई थी जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। अच्छी मैंने दो चार चीज़ें पूछे जो मुझे लेना था, तो फिर मेरा मन नहीं किया, मैंने कहा चलो बाद में ले लूँगी, अभी ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें ज़रूरी है वही लेना चाहिए। और यहाँ पे ना सेल लगी थी बच्चों के, सबके लिए था यहाँ पे, स्वेटर और पैजामे सबके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब जो जिस हिसाब से रेट थे ना उसी हिसाब से कपड़े थे। तो मैं यहाँ पे बाबू के लिए पसंद कर रही थी लेकिन मुझे पसंद ही नहीं आया, तो फिर मैं नहीं ली। जो चीज़ें लूँगी या फिर जो मुझे पसंद आएगी तो वो मैं चल के घर में आप सभी को दिखाती हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी थी, देखिए जूती और विंटर के चप्पल, और कितनी अच्छी सी अच्छी अच्छी जूतियाँ हैं ना यहाँ पे, और ये भी सेल पे ही लगी थी। तो दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ घर, और बस 10-15 मिनट हुए मुझे घर आए हुए। तो बच्चों के लिए मुझे कुछ चीज़ें दिख गई थी जो मैं लेके आई हूँ, तो वही आप सभी को दिखाना है मुझे। तो ये देखिए, ये मैंने बच्चों के लिए लिए है, ठंडी के कपड़े हैं, ये पैजामे हैं, ठंडी के लोअर टाइप है के हैं ये पैजामे, और इनमें ना पॉकेट भी हैं, और बच्चों को पॉकेट वाले कपड़े बहुत पसंद आते हैं, मेरे बच्चे बहुत पॉकेट वाले कपड़े मांगते हैं। तो ये देखिए इसमें भी पॉकेट है और ये इसमें भी पॉकेट है। तो मैंने माही, मानसी, नैन्सी तीनों के लिए सेम कलर लिया है, बिल्कुल तीनों के लिए एक कलर लिया है। मानसी अपना पहनी है, नैन्सी और माही नहीं पहनी है, तो क्योंकि ये लोग ना कलर के लिए झगड़ा करने लगती है। तो इस बार मैंने सेम कलर का एक एक लोअर तीनों को दिला दी है, और विंटर के कपड़े हैं ये। अच्छा हाँ, ये रखी है, उतार के रख के गई है। और ये मैंने लिया है, ये देखिए ये मैंने लिए हैं बाबू के लिए पैजामे, ये पैजामे हैं, ये इनर वाले पैजामे हैं, तो बच्चों को यही चाहिए होता है छोटे बच्चों को। तो इसमें के मैंने 6 पीस लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है, एक बाबू पहना है तो मैंने 6 इकट्ठे ले लिए हैं, क्योंकि इनको बहुत बार बार टॉयलेट करते हैं ना, तो बच्चों के लिए यही सही रहेगा। एक मैंने और बहुत अच्छी चीज ली है जो मुझे दिख गई थी, अच्छा हाँ इसको पहले देख लीजिए, ये देखिए ये शिफॉन का दुपट्टा है, मैंने मेरे लिए लिया है एक दुपट्टा शिफॉन का। तो अच्छा हाँ, कुछ लोग बोलते हैं दीदी आप सूट क्यों नहीं पहनती, हमेशा साड़ी पहनती है, तो अभी सूट भी मैं पहनने वाली हूँ, एक धीरे धीरे पहनूंगी। सूट तो मेरे पास थे पुराने, लेकिन मैं मम्मी के यहाँ पहनती थी, कभी कभी यहाँ रात में पहना करती थी क्योंकि बाहर निकलना रहता था, तो इसलिए। तो ये दुपट्टे मेरे पास नहीं थे, तो एक मैंने दुपट्टा ले लिया है, अभी स्टॉल वगैरह बाद में लूंगी। और ये देखिए मैंने एक ली है, ये देखिए जैकेट देखिए मैंने ली है, इसको ये मैंने एक ले लिया है, इसको मेरी तीनों बेटियां पहन सकती हैं क्योंकि एक साइज तीनों को लगती है, मानसी को थोड़ी सी छोटी लगती है, तो तीनों एक बराबर है, देखा देखते ही हम सब लोग कि तीनों एक बराबर है। और तो मैंने ये क्यों ले लिया है, एक मुझे पसंद आई थी और जो सेल लगी थी ना वहीं पे मैंने लिया है, तो ये मैंने एक ले लिया। वैसे तो है इन सबके पास स्वेटर, मैंने अभी मम्मी के यहाँ से लेके आई उसको भी दिखाया, पहले से भी इन सबका है, पिछले साल ये लेके आए थे शहर से, तो सेम ऐसी जैकेट है तीनों के पास, लेकिन मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने कहा थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं और ये पिछले साल तक पहनेंगी, और इसको ना जब कोई कहीं जाएगा तीनों में से एक कहीं जाएंगी तो पहन सकती है, क्योंकि तीनों को एक साथ कहीं जाना है नहीं, नानी के यहाँ जाती हैं एक साथ बस, और कहीं नहीं जाती, अगर जब एक साथ जाएंगी तो उसके लिए इनके पास कपड़े हैं। लेकिन एक मैंने ले लिए हैं कि चलो एक ले लेते हैं, इनको तीनों पहनेंगी, जो कहीं जाएगा उसको पहना दूंगी, तो इसके लिए रोई नहीं है, मैंने कहा बेटा अभी एक ले लो, पुराने कपड़े हैं ना पिछले साल के तो मिला जुला के पहनना, बोली हाँ मम्मी ठीक है कोई बात नहीं, तो मान गई। वैसे मेरी बच्चियाँ समझदार है, मैं थोड़ा सा रोती हैं, बच्चों को तो आप सभी जानते हैं कि बच्चे थोड़ा सा जिद्दी होते हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बहला फुसला दूँ ना, समझा दूँ प्यार से, तो समझ जाते हैं, अगर चिल्ला के डांटू चिल्लाऊँ तो बहुत ज़्यादा जिद्दी आ जाते हैं बच्चे, अगर प्यार से चुपके से बिठा के ऐसे बोलो बेटा ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी मजबूरी है, तो मेरे बच्चे समझ जाते हैं, बहुत समझदार है मेरे बच्चे, सच बता रही हूँ आप सभी को, बच्चों की कोई तारीफ मैं नहीं कर रही हूँ, समझाती हूँ बिठा करके तो बहुत जल्दी समझ जाती हैं, अगर चिल्लाओ गुस्सा करो तो फिर बच्चे जिद पे आ जाते हैं। वैसे बच्चों को मनाना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आप सभी को कल के ब्लॉग में, आज का ब्लॉग मैंने बड़ा कर दिया है, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत आभार, मेरे 20,000 के सब्सक्राइबर आप सभी ने कर दिए हैं, और जल्दी जल्दी से मेरे 50,000 के सब्सक्राइबर कर दीजिए आप सभी, तो बाय बाय।